आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बरवाह सनावद में बन रहा ऑक्सीजन प्लांट शासकीय उलझनों और राजनीतिक दांव पेच का ना हो जाए शिकार। बरवाह के ऑक्सीजन प्लांट को लेकर कलेक्टर मैडम का बड़ा बयान। पूरा प्लांट यदि जन भागीदारी से बने तो निविदा की जरूरत नहीं, लेकिन विधायक निधि शामिल है तो फिर बुलानी होगी पहले निविदा। जन भागीदारी से भी बनाना पड़े पूरा प्लांट तो बनाना चाहिए अब ऑक्सीजन का प्लांट। कोरोना महामारी में इस बार हमने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों ने दम तोड़ा। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। उसके बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिलने से रोते बिलखते परिजनों को भी देखा। समाज सेवियों द्वारा दिन रात एक एक व्यक्ति को ऑक्सीजन पहुंचाने की भाग दौड़ करते हुए लोगों को भी देखा। इस महामारी की विभीषिका ने पूरे देश और प्रदेश को हिलाकर रख दिया। ऐसे विकट समय में बड़वाह सनावद में ऑक्सीजन प्लांट का सबसे पहले विचार लेकर आए बड़वाह शहर के विकास को लेकर हर समय सक्रिय रहने वाले समाज सेवी दानवीर श्री सुकंचन रोकड़िया और उनके सेवाभावी सुपुत्र श्री नीलेश रोकड़िया। उनकी मातुश्री निर्मला जी रोकड़िया की भावना थी कि इस महामारी से लोगों को भविष्य में बचाने के लिए कुछ स्थायी काम किया जाए। माँ की भावना, पिता के आशीर्वाद और खुद की सक्रियता से श्री नीलेश रोकड़िया ने अपनी ओर से बड़वाह सनावद ऑक्सीजन प्लांट के लिए 10 लाख का प्रथम योगदान देने की भावना के साथ विधायक सचिन बिरला एवं कलेक्टर मैडम से बात कर बड़वाह सनावद में मेगा ऑक्सीजन प्लांट लगाने की रूपरेखा बनाई। हमारे क्षेत्र में लगातार ऑक्सीजन की कमी के कारण कई हमारे साथी काल के ग्रास में समा गए और हम सब लोगों ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर, राजनीतिक संगठनों के साथ मिलकर और जो लोग भी मदद कर सकते हैं उन सबसे एक बैठक बुलाई। उसमें हमने निर्णय लिया है कि दो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट और बूस्टर पंप सहित हम लोग इन दो की स्थापना एक सनावद के सरकारी अस्पताल में और एक बड़वा सरकारी अस्पताल में करने जा रहे हैं। एक पंप हाउस ऑक्सीजन के जो प्लांट की कीमत है वो 46.5 लाख रुपये है। ऐसे हम लोग 93 लाख रुपये इकट्ठा करने का हमने मन बनाया है, जिसमें 25-25 लाख रुपये दोनों अस्पताल को मैं अपनी विधायक निधि से देने जा रहा हूँ। ऐसे 50 लाख रुपये विधायक निधि से जाएंगे और बाकी पैसा निदेश रुकड़े जी 10 लाख रुपए दे रहे हैं, ये 60 हुए। 5 लाख रुपए कृषि व्यापारियों द्वारा निदेश जी रुकड़े के सहयोग से हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं 65 लाख और 10 लाख रुपए सामाजिक संगठनों के द्वारा, किसान संघ के भी हमारे साथी हैं वो लोग भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। 20 लाख रुपए हम सनावद बड़वा के समृद्ध लोगों से, प्रतिष्ठित लोग, उसमें सराफे के व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी है, किराना है, मेडिकल वाले हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, कॉटन व्यापारी है, वकील एसोसिएशन है, कॉलोनाइजर हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, लायनेस क्लब और विशेषकर युवाओं के सहयोग से हम लोग बाकी का पैसा इकट्ठा करके दो प्लांट लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। एक प्लांट की कीमत कितनी और कितने दिन में ये प्लांट खड़े हो जाएंगे? एक प्लांट की कीमत 46.5 लाख रुपये है और 20 दिन के अंदर ये प्लांट हमारे यहाँ स्थापित हो जाएगा, ऐसी हम लोग सब आशा कर रहे हैं। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, कलेक्टर महोदय भी सहयोग कर रही हैं। इस तरह से दोनों प्लांट आने वाले दिनों में आप 20 दिन के बाद देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे क्षेत्र के साथ साथ हमारे इस ज़िले के जहाँ पर भी सरकारी अस्पताल है अगर हमारे पास ऑक्सीजन बस्ती है हम निःशुल्क उनको देंगे और प्राइवेट अस्पतालों को भी हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, जिससे जो गंभीर रोगी हैं वो बच सकें और जनता की सेवा हो सके। अभी शुरू हो रहा है। जो ही योजना सामने आई तो बड़वाह, सनावद, बेडिया, बागोद आदि के दानवीर उदार मना समाज सेवियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, चिकित्सकों और आम नागरिकों ने भी अपना दिल खोलकर इस पवित्र उद्देश्य के लिए सर्वोत्कृष्ट योगदान दिया। नगर सेठ श्री सुरेश खंडेलवाल के सुपुत्र श्री मयंक खंडेलवाल ने तो विधायक निधि के अलावा लगने वाली 19,26,000 से अधिक की राशि सीधे प्लांट निर्माता ठेकेदार के खाते में डालकर अपनी पवित्र जन्मस्थली बड़वाह शहर की माटी के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। बड़वाह के युवाओं के लक्ष्य टीम ने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपील की तो नगर के नागरिकों ने 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक लगभग 2.5 लाख से अधिक का योगदान दिया। भूमि पूजन हुआ और आशा की नई किरण जागी। 17 मई तक ऑक्सीजन प्लांट काम का शुरू कर देना है, साथ ही हॉस्पिटल में सोलर प्लांट लगाकर अस्पताल का बिजली खर्च और कटौती की समस्या का भी स्थायी निपटान हो जाएगा।
लेकिन कितना भी अच्छा और पवित्र काम क्यों ना हो, हमारे यहाँ यदि किसी काम को रोकना या देरी करना है तो बाधाएं पैदा करने वाले कम नहीं। और अब ऑक्सीजन प्लांट के साथ भी यही होता नजर आ रहा है। चूंकि ऑक्सीजन प्लांट में विधायक सचिन बिरला द्वारा भी विधायक निधि से बड़वा सनावत प्लांट के लिए 50 लाख की राशि घोषित की गई, बाकी पैसा दानवीर आम जनता की ओर से है। बस विधायक राशि शामिल होने से अब नया मुद्दा ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण को लेट लतीफी का कारण बन गया। ऑक्सीजन प्लांट के लिए बनाई गई समिति ने चूंकि पहले ही निर्माण कंपनी से बात कर प्लांट की बड़ी राशि एडवांस में दे दी थी, लेकिन शासन के नियम अनुसार विधायक निधि के योगदान के कारण प्लांट निर्माण के लिए निर्माण कंपनी तय करने के लिए टेंडर प्रक्रिया अनिवार्य बताकर कलेक्टर ने शॉर्ट टाइम टेंडर के आदेश जारी कर दिए। ऐसे में पुरानी कंपनी से काम करवाना खटाई में पड़ा और ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण में लेट लतीफी हो गई और समय पर काम नहीं होने से सवाल उठाए जाने लगे। कल कलेक्टर अनुग्रह पी के आगमन पर आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा पूछे गए प्रश्न पर जवाब में उन्होंने दो बातें स्पष्ट की कि यदि इसमें विधायक निधि का योगदान है तो टेंडर बुलाना अनिवार्य होगा, लेकिन यदि पूरा प्लांट जन भागीदारी से बनता है तो निविदा की जरूरत नहीं। क्या मामला? देखिए, ये यहाँ जन भागीदारी से लगा रहे तो उसमें जो है निविदा हमको विधायक निधि अगर जोड़ रहे हैं तो निविदा जो है हमको करना पड़ेगा। तो मैडम, इन लोगों ने जो अभी पेमेंट कर दिया है मशीन लाने के लिए, उसका क्या होगा? हम देख लेते हैं उसको, अगर पूरा जन भागीदारी में ही कर रहे हैं तो फिर निविदा का कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मैडम, आगामी दिनों में ये लॉकडाउन बढ़ाते रहेंगे कि कुछ इसमें डील भी दी जाएगी? अभी जो है कुछ छूट अगले हफ्ते से मिलना चालू होगी, महर अभी मई आखिरी तक जो है लॉकडाउन चालू रहेगी। बेड्स अभी कम नहीं करा रहे, हमने सभी जो है बेड्स की संख्या तो यथावत ही रख रहे हैं। मैडम, ब्लैक फंगस को लेकर क्या व्यवस्था बढ़वा सुनावन? हमारा डिस्ट्रिक्ट में कुल 9 केसेस निकले हैं, उन लोगों को अभी स्थिति स्टेबल है और उनका इलाज चल रही है। मैडम, सनावद में कुछ अस्पतालों को लेकर अनियमितता पाई जा रही है, उस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? हमने अभी कार्रवाई कर रहे हैं, CMHO वगैरह नोटिस भी दिए हैं हॉस्पिटल्स को, उनका ऑक्सीजन की बिल्स वगैरह थोड़ा ज्यादा दिख रही है, तो हमने अभी जो है नोटिस दिए हैं, उनका जवाब के बाद जो है कार्रवाई करेंगे। ऐसे में विधायक निधि का उपयोग करते हैं तो प्लांट निर्माण में कम से कम पूरी निविदा प्रक्रिया होकर काम शुरू होने में ही काफी समय लगेगा और प्लांट निर्माण लेट होता जाएगा। वहीं दूसरी ओर यदि जन भागीदारी से पूरा काम करना है तो विधायक निधि के 50 लाख की कमी को पूरा कर तत्काल काम शुरू करना होगा, जिसमें फिर विधायक का कोई योगदान नहीं होगा और पूरा प्लांट जन भागीदारी से बनेगा। बस यही दो रास्ते हैं जिससे प्लांट का निर्माण हो पाएगा। आम जनता की भावना यह है कि इस प्लांट में अब देरी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी नियमों के हवाले से हो या फिर किसी राजनीतिक कारणों से। ब्लैक फंगस और तीसरी लहर का खतरा सामने है, ऐसे में पुनित कार्य हर हालत में पूरा होना चाहिए। ऐसे में यदि विधायक निधि के कारण ये काम लेट होता है तो इसे पूरा जन भागीदारी से बनाया जाए, जिसमें विधायक निधि से घटने वाली राशि को विधायक जी और अन्य दानदाताओं के व्यक्तिगत सहयोग से पूरा किए जाने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन इस ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण में अब हर बाधा को दूर कर शासन प्रशासन जल्द से जल्द काम शुरू करवाने, जिससे लोगों को आने वाले समय में प्राणवायु का संकट ना हो। आशा है शासन और जनप्रतिनिधि एकजुट होकर ऑक्सीजन प्लांट को कार्य में परिणित करने का सपना साकार करेंगे। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्नमल जैन की रिपोर्ट।